आज मेन भोजन है खिचड़ी फ्रेंड, खिचड़ी और घी। हाय, गुड मॉर्निंग। और आज फ्रेंड सबको मेरा प्रणाम है। और आज लोहड़ी, मकर संक्रांति और खिचड़ी बोला जाता है जिसको, आज वो पर्व है जिसको हम लोग मतलब गंगा जी के तट पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है फ्रेंड। आज के डेट में जो हमारा स्नान पर्व दान है तो लोग अपना जाते हैं, वहाँ नहाते हैं और दान करते हैं अपना, जिसको जो समझ में आता है उसके हिसाब से, चाहे चावल लेकर जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं उसके हिसाब से। तो फ्रेंड आज का टॉपिक हमारा कुछ खास नहीं है, कुछ बस बिल्कुल घर से ही है ब्लॉग। और मेरा कहना है कि आज खिचड़ी लोहड़ी जो मैं मकर संक्रांति मनाते हैं, तो आज का बहुत ही प्रेम मिलन का त्यौहार है। बोले हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े महान अथवा कार्यकर्ताओं ने मतलब जो बोला है पहले का, तो उनकी मैं बातों को सुनकर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो देखा नहीं हूँ कि क्या होता है कैसा होता है। तो आज का त्यौहार जो है बड़े सुख शांति से मनाया जाता है। आज मेन भोजन है खिचड़ी फ्रेंड, खिचड़ी और घी, और क्या नाम है कि जो मेन हमारा घी, खिचड़ी और गुड़, ये सब तीनों चीज़ खान मतलब खाने का आज पर्व मेन है। जो हम खाते हैं मतलब आज मेन भोजन का रूप यही है कि हम खाएं, बाकी जो खाना है वो तो खाए, आपकी मर्जी है, जो रहें जैसे रहें उसकी कोई मतलब वो नहीं है। तो फ्रेंड ऐसे ही हमारा ब्लॉग में डेली ब्लॉग है, आप लोग ऐसे ब्लॉग को आप सपोर्ट भी करते हैं। और हमारा ब्लॉग में आज खास यही टॉपिक है कि आप लोग को मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और अपना प्यार मिलन से अपना त्यौहार को मनाते रहिए, ताकि ऐसे ही आपको सपोर्ट मिलता रहे कि हमारे भाई आप लोग हमें भी सपोर्ट करते हैं। और देखिए हम अपने घर से ही ब्लॉग बना रहे हैं फ्रेंड, और इधर का लोकेशन बाहर से है, और इधर मतलब बाहर का मतलब पीछे से फ्रेंड, तो हम दिखाते हैं और आपको आगे अंदर चल के बच्चों लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों से मिलाते हैं। फ्रेंड देखो, कल महिमा और माही ने क्या बोला था कि कल हम क्या नाम है कि बनाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी क्यों नहीं बनाई तुम लोग? शाम की नहीं, दोपहर की बनेगी ना। हाँ आइए, क्या बनाई हो? नाश्ता है। और मधु तुम्हारा क्या है? एक मिनट में दिखा रहा हूँ। तो महिमा क्या बना रही हो तुम? आज पकौड़ी। पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा नहीं तो। तो फ्रेंड लोग को बुलाइए, आइए हम सबके घर खाइए। और दोपहर में क्या बनेगा? खिचड़ी। खिचड़ी बनेगा। और तुम लोग क्या खाओगे? दाना वाना चबाओगे? नहीं, गुड़ ढूंढा। फ्रेंड देखो भूल गई थी, अभी याद पड़ा है, मधु से पूछते हैं, मधु बोलेगी कि नहीं बोलेगी। मधु आओ तुम भी। तो गुड मॉर्निंग महिमा, माही ने भूल गया था। और सर हाँ तो दे दो, खाइए कि नहीं खाइए? तब फिर खाइए, तो और दो उसको खाओ, है ना, वो खाएगी और ना, तुम लोग भी खाओगी ना। हाँ चलो और खाओ जाकर। मधु मधु क्या कर? हाँ काय तो खाई हो ब्रेड? एक एक हाँ। एक एक वो खा रहे। महिमा तुम क्या खाई हो? तो मधु चाय पी ली हो? हाँ। चाय नहीं पी हो? हाँ। तो पियोगी? महिमा महिमा पियो, उधर महिमा है फ्रेंड। माही तुम पियो? ना। तो पियोगी? रहने तो नहीं पियोगी तो? नहीं पियोगी। पियोगी? हाँ। महिमा तुम क्या क्या खाई हो? ब्रेड। और कुछ ना? कुछ ना? अभी चाय देने वाली। अच्छा चलो निकालो निकालो, हम भी मैं भी खाऊं। सो गाइस फाइनली मतलब कि हम अपने घर ही से बना रहे हैं ब्लॉग, और आज का बहुत ही प्रमुख बढ़िया त्यौहार है सुबह की, जो अपना खाने पीने का अलग ही तजुर्बा है सबका। तो मतलब जो जो जिसका मन करे वो खाए, तो है हकीकत है फ्रेंड। लेकिन नियम तय मतलब आज का मेन पर्व है खिचड़ी से लेकर बाकी नाश्ता जो भी करें, खाना खाएं आपकी मर्जी है। और मैं आपको ब्लॉग या पूरा घर के दिखा देते हैं घुमा कर एक बार फ्रेंड। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, हम और आगे दिखाते हैं। और दो मधु चाय फ्रेंड हम पीने जा रहे हैं।
और गिलास में पी रहे हैं फ्रेंड, देसी में स्टाइल में, कप में नहीं, कप तो है ही, लेकिन कप में नहीं पीते हैं ज़्यादा, गिलास में पी रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा हम लोग पीते हैं, गांव में रहने वाले हैं तो ज़्यादा ही चाय पीते हैं, थोड़ा कम अब पीते नहीं हैं, अगर पीते हैं तो ज़्यादा पीते हैं, मतलब फ्रेंड जैसे ठंड के मौसम में पीते हैं, बाकी दिन में नहीं पीते हैं। तो आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, ठीक है? तुम लोग क्या करें अपने, मधु तुम चाय साथ में पियोगी? देखें देखें दिखाओ, अभी देखो ब्रेड उसमें डुबा के खा रही है फ्रेंड, हाँ उसमें नहीं खाया जाता, इसी तरह खाया जाता है, काली चाय है फ्रेंड। तो हम पियेंगे चाय, और आप लोग अभी पास में हमारे हैं नहीं, तो आपसे बातें बाद में करेंगे चाय पीने के बाद। और कहाँ तुम भी पी रही हो? अरे पानी पी लेना पहले, खा के पानी पी लो। मधु दिखाओ अपना मुँह, मुँह दिखाओ, ठीक है? महिमा आ रही है उधर से, अब हम लोग नाश्ता करेंगे एक दिशा लाइन से। हम गए थे बाऊ के बुलाने। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है फ्रेंड। I know I've been not always honest to you, so many things I've done, so many lies I've told, I want to change, I want to change with you, let me change, let me change with you, if you want to stay, I will breathe you in, come along my way. So, friend, finally I'm ready to go. मतलब सारी व्यवस्था, नाश्ता पानी चाय पानी करना था सब कर लिए हैं, और फिर निकलेंगे दुकान। आज का ब्लॉग हमारा लगभग बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि छोटा ही बनाएंगे, और फ्रेंड हम बाहर फिर से पीछे आ गए हैं। और देखिए मधु और महिमा का ये लोग क्या कर रही हैं, नहीं महिमा नहीं माही है, महिमा तो इधर काम कर रही है, क्या कर रही हो तुम, गिला धो रही हो? हाँ। क्या करने के लिए? अपने को चाय पियोगी? मधु तुम पी ली हो? माही माही तुम पी ली हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? एक बार दिखाता हूँ मैं क्या खिला। देखो फ्रेंड माही और मधु रोटी खिला रहे हैं क्या मुर्गे को, और मुर्गी नहीं खा रही है। एक बार मुर्गी को खिलाओ, और थोड़ा सा जाओ खाओ तुम भी मुर्गी। हाँ खाएगी खाएगी खाएगी, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, रोज चारा फ्रेंड खिलाती है माही और मधु खिलाती है रोज चारा, रोटी खाती है, और रोटी और क्या खिलाती हो? और देखा क्या खिलाती हो, गेहूँ नहीं खिलाती हो? हाँ। गेहूँ खिलाती दरुआ। हाँ हाँ तो ठीक तो है, मधु कुमार दी सही है। हाँ अब पानी पी ली है, पानी पी ली है, पानी नहीं लाड डाल रही है। गंदी लगा के लाड डाल रही है। क्या चीज? मुर्गा। अच्छा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मुर्गा थोड़ी जानता है कि कहीं से गंदा लगा है गोड़ में कि नहीं लगा है। तो इसको खिलाओ खिलाओ चाप कर खिलाओ। सो गाइस अपना बाहर का एरिया लोकेशन जो मैंने कई दिन सूर्य को नमस्कार वाला आपको दृश्य नहीं दिखाया था, और देखिए मैं सूर्य को नमस्कार का दृश्य मैं आज दिखा रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ज़्यादा लगभग 8:15 बजने वाला है फ्रेंड, और सूर्य का महाराज का कैसा लोकेशन दिख रहा है आप देख ही रहे हैं, और उजाला बढ़िया ठीक तरह से है। आज मौसम खिचड़ी का जो है ना फ्रेंड, नहाने लायक भी है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है नहाने में, ठंड भी नहीं लगेगा ज़्यादा, और नहा सकते हैं आप लोग ऐसे मौसम में, तो कोई दिक्कत नहीं है नहाने के लिए, आप नहाएं और इन्जॉय करें आज लोहड़ी और मकर संक्रांति का। तो फ्रेंड वाकई पूरा हमारा ब्लॉग ख़त्म हो गया है आज का, और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा आपको तहे दिल से धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना फ्रेंड, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।